हेलो दोस्तों, मैं निमेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड था, डिमांडेड था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे DZ09 के स्मार्ट वॉच वाली वीडियो पे कि भाई यूजर्स रिव्यू लेकर के आओ। तो मैं वीडियो लाने वाला था 15 डेज यूज करते ही, बट बीच में मेरा हेल्थ खराब हो गया था एंड मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। मैंने ब्रेक लिया हुआ तो कुछ दिन दवा ववा खा के अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ DZ09 स्मार्ट वॉच का 15 डेज यूजेज रिव्यू, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा यूज नहीं किया है, 15-20 दिन यूज किया हुआ है। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है जो मैंने 15-20 डेज इसे यूज करके एक्सपीरियंस किया है, एंड आपके लिए ये लेना सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको काफी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल पाए इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है DZ09 स्मार्ट वॉच, 1000 के नीचे एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच है। तो ये रहा गाइस, आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच कुछ इस तरीके का है, और इसका मैंने आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू दिया था। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो इसका पहला वीडियो जाकर के देख लेना, आई कार्ड में भी लिंक आ रहा है। तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 15-20 डेज से। तो चलो मैं आपको पहले इसके 5 प्रोस बताता हूँ, 5 अच्छाइयां जो मुझे लगी है इसे यूज करते हुए, एंड फिर मैं आपको 5 कॉन्स बताऊंगा, 5 कमियां जो इस स्मार्ट वॉच पे है। तो सबसे पहले प्रोस से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रो है इसका, इसके अंदर आपको सिम फैसिलिटी मिल जाता है। आप इसके अंदर यहाँ पे सिम कार्ड डाल सकते हो, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये रहा, इस तरीके से बैक पैनल निकाल करके आप बैटरी रिमूव करके इसके अंदर आप सिम कार्ड डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड डालने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो इसके अंदर आप सिम कार्ड डाल सकते हो, कोई भी सिम कार्ड डाल सकते हो, और इसके थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो। तो ये स्मार्ट वॉच को बहुत स्पेशल बनाता है। आते हैं दूसरे प्रो पे, वो है इसका टच क्वालिटी। इसका टच रिस्पॉन्स इतना ज्यादा स्मूथ है ना, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, चला करके काफी ज्यादा स्मूथ है। अगर आप चलाओगे, पूरा मक्खन की तरह चिकना है इसका स्क्रीन। तो इसके स्क्रीन का जो टच रिस्पॉन्स है ना, वो सच में काफी अच्छा है। आप हल्का सा टच करोगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे टच रिस्पॉन्स करता है। तो स्क्रीन जो है टच, स्क्रीन टच दिया गया है, एंड इवन टच क्वालिटी काफी अमेजिंग मिल जाता है आपको इसमें, देख सकते हो। हल्का सा स्मूथ टच है, हल्का सा बस आपको छूना है, एंड कितना आसान तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल कर पा रहा हूं मैं। बहुत ही फेदर टच आपको इसके अंदर मिल जाता है, टच क्वालिटी इज रियली अमेजिंग। तीसरा ऐसा प्रो जो मेरे बहुत ज्यादा हेल्प होता है इस स्मार्ट वॉच में, वो है इसके अंदर आपको साउंड रिकॉर्डर का फीचर दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, तो आप जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे वो आप इसके मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड ठीक ठाक सा डिसेंट क्वालिटी आ जाता है। तो कहीं पे अगर आपको किसी का कुछ कन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड करना है बिना उसे पता चले हुए, तो यहाँ पे आप इसके रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग ऐप को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर जा करके आप इसे ऑन करके यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे आपको साउंड रिकॉर्डिंग का ऐप दिया गया है, तो इस ऐप के थ्रू आप किसी का भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। हाथ में पहने हुए रहोगे, ऑन कर देना, एंड यहाँ पे जो भी आपके आसपास कुछ भी बात चलेगा वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। फोर्थ प्रो की बात करूँ तो वो है इसके अंदर आपको मिलता है कैलकुलेटर। तो अगर आपको कहीं भी इंस्टेंटली कैलकुलेशन करना है बिना फोन निकाले हुए, काफी ज्यादा टाइम बचा लेना है, आप पढ़ते हुए इसे यूज कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर अगर आप क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप मैथ्स बना रहे हो, कुछ भी चीज अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, अगर अपने क्लासेस में, कोचिंग में, कहीं पे भी, तो अगर आपको क्विकली करना है तो आप इसके कैलकुलेटर ऐप को यूज कर सकते हो। अगर आप मार्केट में हो, किसी चीज का आपको प्राइस निकालना है किसी चीज का, तो आप फटाक्स यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, तो कैलकुलेटर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट प्रोस की बात करूँ वो है इसका प्राइसिंग, बहुत सही प्राइसिंग में आता है। ये मैंने लिया था अमेजोन से 850 रुपए के अराउंड, 750 से 900 रुपए के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी। जो बेस्ट बाय लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इतने कम प्राइस में सिम कार्ड लगता है, अच्छा इसमें कैमरा दिया गया है, फोटोज क्लिक कर सकते हो, मेमोरी कार्ड लगता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटर, इस तरीके के मैसेजिंग एप्स, बहुत सारे यहाँ पे आपको यूनिक एप्स दिए गए हैं जो इस स्मार्ट वॉच को सही मायने में एक स्मार्ट वॉच बनाता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसके 5 कुछ कॉन्स जो कमियां लगी है मुझे यूज करते हुए। तो सबसे पहला कॉन की बात करूं वो है इसका कैमरा पोजीशन। कैमरा पोजीशन जो है वो वॉच के इस साइड पे, तो अगर आप इसे रिस्ट पे पहनते हो ना, तो कैमरा आप फ्रंट में आप फोटोज नहीं ले सकते हो। अगर आप चाहोगे इससे सेल्फी लेना, तो आपको ना थोड़ा एंगल ऊपर की ओर जाता है। अगर आप इस तरीके से नीचे करके लोगे तब आप अपना फेस यहाँ पे ले पाओगे, बट आप उस टाइम स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे कि आपका अलाइनमेंट सही है या नहीं है। अगर पोजीशन फ्रंट साइड की ओर रहता ना, तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता। दूसरा इसका जो कॉन मुझे लगा है वो है इसका लिमिटेड वॉच फेसेस, बस 3 ही मिलते हैं आपको, 1, 2 एंड ये 3, वापस से ये रिपीट होने लगेगा, एंड इसे आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे मेन्यू पे अपना वॉलपेपर लगा सकते हो ओपन करने के बाद, बट जो इसका लॉक स्क्रीन है, यहाँ पे आपको ये लिमिटेड वॉच फेसेस मिलते हैं, 3 वॉच फेसेस।
ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। अगर इसके वॉच फेसेस को अपग्रेड किया जा सकता था तो ज्यादा अच्छा रहता, या फिर इससे ज्यादा वॉच फेसेस दिए जाते। तो अगले कौन की बात करूं तो वो है कि ये स्मार्ट वॉच वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आप इसे पहन के बाहर जाओगे और अगर हल्का से भी इसके ऊपर पानी गिर गया, या फिर अगर बारिश पे आप इसे पहने रह गए, दिमाग से आपका निकल गया कि यार मैंने स्मार्ट वॉच पहना है, तो ये डैमेज हो जाएगा। क्योंकि ये स्मार्ट वॉच पूरा एक्सपोज है, इसका बैटरी पैनल आप ओपन कर सकते हो, अंदर की सर्किटरी पूरी ओपन है, यहाँ डेटा केबल वाले पोर्ट से पानी जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस स्मार्ट वॉच पे पानी का एक भी बूंद मत गिरने देना, वरना ये खराब हो सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच वाटरप्रूफ नहीं है। चौथे कौन की बात करूं, चौथे कमी की बात करूं, तो वो है इसका फिक्स्ड स्ट्रैप। इसका जो स्ट्रैप दिया गया है वो फिक्स्ड है एंड सिंपल सा क्वालिटी का है, आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे T500 पे ग्रे कलर के स्ट्रैप लगाया हुआ है, कल को मुझे मन करेगा मैग्नेटिक स्टील वाला इस पे लगाने के लिए स्ट्रैप, तो मैं लगा सकता हूँ, कस्टमाइजेबल है। बट इसके अंदर आपको फिक्स्ड मिलेगा, जो स्टाइल किसके साथ दिया गया ये फिक्स किया गया है। अगर कल को आप रिप्लेस भी कराते हो तो आपको सेम डिजाइन का इसके अंदर लगाना पड़ेगा। एंड चलो लास्ट कौन की बात करूं, फिफ्थ कौन की बात करूं, तो वो है इसका लो बैटरी लाइफ। इसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाता है। अगर आप इसे यूज करोगे सिम कार्ड लगा के, अगर आप हैवी यूज करोगे ना, तो ऑलमोस्ट ये आधा दिन चल पाता है। अगर आप इसे हैवी यूज करोगे, और नॉर्मल यूज करोगे तो दिन भर चल जाता है बिना कॉलिंग फीचर यूज करके। तो अगर आप चाहोगे तो इसके लिए आप एडिशनल बैटरी लेकर रख सकते हो, काफी कम प्राइस का आता है, 120-130 रुपीस के अराउंड। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा बैटरी का। अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए तो आप अपने साथ रख सकते हो कैरी करके, एक फुल चार्ज करके रखना, ये जब बैटरी ड्रेन हो जाएगा तो फिर उसे लगा करके आप यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक मुझे जो लास्ट कॉन लगा इसका। तो ये थे कुछ 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, जो मुझे 15 डेज यूज करके इस स्मार्ट वॉच में फील हुआ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। स्मार्ट वॉच अभी भी वर्थ इट लेने के लिए, अगर आपको 1000 के अंदर सिम कार्ड वाला फैसिलिटी वाला स्मार्ट वॉच चाहिए था, तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ DZ09 स्मार्ट वॉच में। क्योंकि T500, T55 पे ना सिम कार्ड लगता है, ना कैमरा है, ना आपको यहाँ पे मिलता है मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो ऑब्वियसली DZ09 पे जा सकते हो। जो भी बेस्ट बाय लिंक्स रहेगा इस स्मार्ट वॉच का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के वहां से चेकआउट कर लेना, परचेस भी कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना, शेयर करें इस वीडियो को, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।